ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला को भारतीय टीम ने 1-2 से गंवा बैठा है। अगर हम बात करें भारतीय टीम ये 4 साल बाद अपने सरजबी पे कोई श्रृंखला हारी हो, इससे पहले 2019 में ऑस्ट्रेलियन टीम ने ही उनको अपने सरजमी पे हराया था वनडे सीरीज, और आज 2023 में फिर से कंगारुओं ने वो कारनामा दोहरा दिया। अगर हम बात करें श्रृंखला की तो ये वर्ल्ड कप की तैयारियों के दृष्टिकोण से काफी अहम मानी जा रही थी। यहाँ पे तय होना था कि भारतीय बल्लेबाज अपने कमियों पे कितना काम किए हैं, और कंगारुओं गेंदबाजों ने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि लेफ्ट आर्म पेसर अभी भी भारतीय बल्लेबाजों के लिए कमजोरी बने हुए हैं, और वहीं जहां भी पिच थोड़ी बहुत स्पिन करती है तो लेग स्पिनर भारतीय बल्लेबाजों के लिए जी का जंजाल बन जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम ने सिर्फ और सिर्फ श्रृंखला ही नहीं गवाई है बल्कि नंबर 1 की बादशाहत भी उनसे छीन ली गई है। तो आइए अपनी इस रिपोर्ट में हम देख लेते हैं कि आईसीसी की ताजा अपडेटेड रैंकिंग क्या है और इस हार का ठिकरा कप्तान रोहित शर्मा ने किसके सिर फोड़ा है। भारतीय टीम को चेन्नई में खेले गए 3रे ओडीआई मैच में 21 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ भारतीय टीम ने 4 साल बाद अपने सरजमी पे कोई श्रृंखला ओडीआई श्रृंखला गवाई हो। ये श्रृंखला भारतीय टीम के वर्ल्ड कप की तैयारियों से काफी अहम मानी जा रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, और जो कमियां पहले भी भारतीय बल्लेबाजों की थी वो इस श्रृंखला में भी वो कमियां दिखी, और ये पता चला कि भारतीय बल्लेबाज उन कमियों पे कोई भी काम करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। तो इस श्रृंखला के साथ ही भारतीय टीम ने अपने नंबर 1 की बादशाहत भी गवा दी है। अगर हम बात करें आईसीसी की लेटेस्ट अपडेटेड रैंकिंग की तो यहां पे ऑस्ट्रेलियन टीम ने भारतीय टीम को पीछे कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया टीम नंबर 1 पे आ गई है 113 रेटिंग के साथ, और फिर उसके बाद भारतीय टीम दूसरे स्थान पे है, लेकिन इनके रेटिंग पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के बराबर ही है 113। न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पे है 111 रेटिंग के साथ, इंग्लैंड चौथे स्थान पे है 111 रेटिंग के साथ, और पाकिस्तान ने 5वां स्थान काबिज करके रखा है 106 रेटिंग के साथ। तो ये 5 टीमें हैं, और भारतीय टीम को इस श्रृंखला हार से उनकी नंबर 1 की बादशाहत भी छीन ली गई है। अगर हम बात करें इस श्रृंखला की, यहाँ पे जो हार हुई है उससे कप्तान रोहित शर्मा काफी आग बबूला नजर आए। उन्होंने काफी कुछ बोला अपने बल्लेबाजों के ऊपर, हार का ठिकरा फोड़ा। कप्तान रोहित शर्मा के अनुसार टीम को जो लक्ष्य मिला था वो ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन दूसरी पारी में विकेट थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया था। हम इसी तरह की पिचों पर खेलते हुए बड़े हुए हैं, और हमारे बल्लेबाजों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर पार्टनरशिप कितनी महत्वपूर्ण होती है। 1-2 पार्टनरशिप तो हुई, मगर कोई भी एक बल्लेबाज पूरी जिम्मेदारी से मैच को खत्म नहीं कर पाया। हमें ऑस्ट्रेलिया के स्पिनरों को भी क्रेडिट देना होगा, उन्होंने हमेशा हमारे ऊपर प्रेशर बनाए रखा। हमने जनवरी से 9 वनडे खेले हैं, हम उनसे काफ़ी सकारात्मक चीज़ें ले सकते हैं। यह किसी एक की नहीं बल्कि पूरी टीम की हार है। तो कप्तान रोहित शर्मा ने अपने बल्लेबाजों को खरी खोटी सुनाई। उनके अनुसार जो भी बल्लेबाज टिके थे, कोहली थे, पांड्या थे, उनको मैच फिनिश करना चाहिए था, लास्ट तक खेलना चाहिए था, क्योंकि इन पिचों पे पार्टनरशिप काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और ये बल्लेबाजों को ये अपने जहन में रखना चाहिए था ये बात कि जो भी टिके, जो लंबा खेले, उसको कम से कम गेम फिनिश करना आना चाहिए। तो ये ज़रूर कमी दिखी भारतीय टीम के लिए इस मैच में। अगर हम इस मैच के स्कोर कार्ड पर नज़र डालें तो ऑस्ट्रेलिया ने 269 रन बनाए थे 49 ओवरों में, उनके तरफ से कोई भी अर्धशतक नहीं आया था। भारतीय गेंदबाजों ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी। हार्दिक पांड्या ने 8 ओवर में 44 रन देकर 3 विकेट झटके थे, तो वहीं कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 1 मेडन 56 रन 3 विकेट। अगर हम बात करें भारतीय बल्लेबाजी की तो 248 रनों पर भारतीय टीम ऑल आउट होगी। भारतीय टीम की तरफ से कोहली हाइएस्ट स्कोरर थे, उन्होंने 54 रन बनाए 72 गेंदों पर, और वहीं हार्दिक पांड्या ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किया, 40 रन 40 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के जड़े। तो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की तरफ से जाम्पा हाइएस्ट विकेट टेकर रहे, काफी प्रभावित किया जाम्पा ने, 10 ओवर में 45 रन देकर 4 विकेट झटके और भारतीय बैटिंग की कमर तोड़कर रख दी। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।